नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है सार्थक तनेजा और आज मैं आप सभी के लिए इन्वेस्टमेंट की एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ विद वन ऑफ इंडिया बेस्ट ब्रांड गोदरेज डेवलपर्स। जी हाँ, गोदरेज अपना नया प्रोजेक्ट लेके आया है सेक्टर 34 सोनीपत में। दीनदयाल आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताने से पहले मैं आप सभी को हाईवे की कनेक्टिविटी बताना चाहूंगा कि दो मेजर नेशनल हाईवेज का आपको कनेक्टिविटी मिलता है इस प्रोजेक्ट से। फर्स्ट वन इज मेरठ झज्जर हाईवे एंड सेकेंड वन इज NH-44 जो आपका मेन GT रोड है। जो अगर डिस्टेंस की बात करूं तो NH-334B मेरठ झज्जर हाईवे का हमारे प्रोजेक्ट से 500 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस रहने वाला है एंड NH-44 हमारे प्रोजेक्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स देने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि वाई शुड वन इन्वेस्ट इन सोनीपत। जैसे कि मैंने अभी आपको जो हाईवे बताया है NH-334B जो कि मेरठ झज्जर हाईवे है, वो आपका मेरठ से झज्जर जा रहा है वाया खरकोदा। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे IMT खरकोदा आ रहा है जिसमें मारुति का 800 एकड़ का प्लांट तैयार हो रहा है एंड नेक्स्ट ईयर बाय दिसंबर मारुति वहां से अपना फर्स्ट ईवी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी निकालेगा। इसके अलावा काफी बिग प्लेयर्स ने वहां पे अपना लैंड पार्सल परचेज कर लिया है, लाइक यूनो मिंडा, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड मैनी मोर प्लेयर्स। तो जब इतना एम्प्लॉयमेंट वहां पे आ रहा है तो इन लोकेशंस का, पर्टिकुलरली इन तीन सेक्टर्स का प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आपको आने वाला है। बिकॉज खरकोदा से लेके सोनीपत तक जो आपके रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, रेजिडेंशियल जोन्स हैं, वो ही आपके तीन सेक्टर्स ही हैं। इसलिए यहाँ पे गोदरेज के अलावा भी काफी और रेपुटेटेड बिल्डर्स आ चुके हैं, लाइक हीरो डेवलपर्स भी यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिंदल्स यहाँ पे हैं, एलडीगो यहाँ पे हैं, मैप्सको यहाँ पे हैं। तो काफी बड़े प्लेयर्स की यहाँ पे एंट्री हो रही है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ से जनरेट होने वाला है आगे। तो प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, टोटल जो ये डेवलपमेंट गोदरेज लेके आ रहा है 48 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है जिसमें 722 प्लॉट्स गोदरेज लेके आ रहा है। प्लॉट के साइज आपके 120 गज से लेके 180 गज तक के इसमें प्लॉट्स रहने वाले हैं। एमिनिटीज की बात करूँ तो प्रोजेक्ट में आपको सारी मेजर एमिनिटीज मिलती हैं, लाइक ग्रीनरी पे काफी फोकस किया है गोदरेज ने। 2000+ ट्रीज इस प्रोजेक्ट में गोदरेज प्लांट कर रहा है एंड इसके अलावा आपको 5 बिग साइज पार्क्स, थीम बेस्ड पार्क्स आपको इस प्रोजेक्ट में मिलते हैं, लाइक फ्लोरल पार्क, लोटस पार्क, मेज पार्क एंड सेंट्रल पार्क। इसके अलावा 2 फ्लोर का क्लब हाउस रहने वाला है जिसमें आपको सारी एमिनिटीज रहेंगी। ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर पे आपका एक बैडमिंटन कोर्ट इंडोर एंड एक मल्टीपर्पज हॉल रहने वाला है फॉर योर फैमिली गैदरिंग्स और स्मॉल गेट टुगेदर, तो आप वो यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर आपका डेडिकेटली ओनली जिम रहने वाला है, सेकेंड फ्लोर पे आपका 10 सीटर मूवी थिएटर एंड रेस्टोरेंट रहने वाला है। प्रोजेक्ट के इंटरनल रोड्स की बात करूं तो 24 मीटर का भी रोड आपको इस प्रोजेक्ट में मिलता है एंड 9 मीटर का रोड भी इस प्रोजेक्ट में है। और प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइस इस प्रोजेक्ट में 85,000 पर स्क्वेयर यार्ड से 95,000 पर स्क्वेयर यार्ड तक की प्राइसिंग है। और इसमें आपको 2 पेमेंट प्लान्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज डाउन पेमेंट पेमेंट प्लान जिसमें अगर आपको रजिस्ट्री आपका जल्दी से जल्दी चाहिए है, जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो विद इन 1 मंथ आप अपना 100% पेमेंट करके आप अपना रजिस्ट्री करवा सकते हैं एंड अपना घर बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ +4 तक का आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड पेमेंट प्लान है वो 30-70 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। 30% जो आपको पेमेंट है विद इन 120 डेज आपको पे करना है एंड 70% जो आपका बचा हुआ पेमेंट है 1 फरवरी 2025 में आपको वो पूरा पेमेंट करना है एट द टाइम ऑफ पोजेशन। तो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये। सोनीपत आगे के टाइम में काफी ग्रोइंग स्टेज पे है क्योंकि अगर मैं बात करूं गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली की, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स ऑलरेडी काफी बूम अप हो चुके हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन सोनीपत। और आपको अगर कोई भी क्वायरीज हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। आपके लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट की नई नई वीडियोज लेके मैं आता रहूंगा।
इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.